तो ये हमारा छोटा हाथी चढ़ गया है बिल्कुल आसानी से बिल्कुल टॉप पे। वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो ऑफ रैन सिमुलेटर। और आज की वीडियो होने वाली काफी स्पेशल, क्योंकि आज हमारे कस्टम बांध का काम बिल्कुल 100% कंप्लीट होने वाला है। आज हम पेंट भी कंप्लीट कर देंगे और आज हम काउस भी खरीद के ले आएंगे और अपने काउस को यहाँ पे अपने कस्टम बाग में रखेंगे। तो आज जब फार्म फाइनल होने वाला है तो पहले मेरे को यहाँ पे जो है आज गेट लगाना है, ताकि हम सबसे पहले काउस को टॉप फ्लोर पे लाके रख सके। और यहाँ पे गेट लगाने से होगा ये कि हमारे काउस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो दोनों साइड एक एक हम जो है यहाँ पर गेट लगा लेते हैं, तो इस गेट से हमें ईजी होगा, दोनों साइड से हम किसी साइड से भी अंदर एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं। तो अभी पहले इस गेट को और यहाँ पे इस फ्लोर पे काउस के खाने का और पानी का इंतजाम पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे पेंट लेने के लिए और पेंट लेके आएंगे। और पेंट लाके हम पूरा का पूरा आज अपने बांध को पेंट करके रेडी कर देंगे और फिर जाके चार काउस खरीद के लेके आएंगे अपने इस टॉप फ्लोर पे रखने के लिए। वैसे तो हमारे इस टॉप फ्लोर पे 20 से ज़्यादा काउस भी हम रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेस है हमें पास। जितनी ज़्यादा काउस लाएंगे उतनी एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे फूड ट्रफ्स और वाटर बॉल्स बनाने होंगे काउस के लिए, क्योंकि उनके पानी के लिए और पीने के लिए और खाना खाने का इंतजाम करना होगा बस। बाकी स्पेस की यहाँ कोई कमी नहीं है, और हमारे पास यहाँ पे इस ऊपर स्टोरेज का स्पेस भी है। तो हम उन काउस से जितना भी मिल्क इकट्ठा करेंगे उनको हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको बाद में हम चीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये वाला काम तो हो गया है, और चलते हैं अभी नीचे और सीधा फिर वहाँ से चलते हैं हम जो है अपने हार्डवेयर स्टोर, जहाँ से हम जो कस्टम पेंट बनाने वाली मशीन है उससे हम पेंट के डब्बे बना के लेके आते हैं, जो जो कलर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ताकि हम आज अपना पेंट का काम जल्दी से पूरा कर लें। और अभी हम पहुंच गए हैं हार्डवेयर स्टोर, ये सामने हमारी जो है ये कलर बनाने वाली मशीन है। और इसमें खास बात यह है कि ये आरजीबी वाली मशीन है, तो आरजीबी का यूज़ करके हम कोई सा भी कलर बना सकते हैं, हम उसकी सैचुरेशन और ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी कस्टम कलर पॉसिबल है हम सारे तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ कस्टम कलर तैयार कर लिए हैं, अभी अगर हमें लगेगा कि हमें और कलर की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ से फिर से आगे और कलर ले जाएंगे। पर जो ये कलर बने हैं इनको भी फिलहाल लोड करके चलते हैं अपने रेंच पे। तो ये मैंने कलर्स को यहाँ पे लोड कर लिया है, और अभी कलर्स को सीधा लेके चलते हैं रेंच पर और मिलते हैं फिर रेंच पे। तो अभी हम अपने रेंच पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे अभी सीधा हम इसको पहले देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं हम सीधा बिल्कुल नीचे से, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड से जो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो नीचे का हमारा ये जो फाउंडेशन वाला स्ट्रक्चर है इसको पहले पेंट कर लेते हैं, क्योंकि रॉ ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा खाली। तो ये वाला कलर तो हो गया है, अब यहाँ से जो है हम सीधा चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर अभी हमें ये वाला कलर तैयार करना है, और अभी शाम भी हो चुकी है तो अभी एटलीस्ट हम कुछ कलर तो तैयार कर ही ले। वैसे हम ज़्यादा कलर अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि शाम होगी और रात होने वाली है, और इशू ये है कि रात को लाइट्स में कलर थोड़ा डिफरेंट दिखता है और दिन में डिफरेंट दिखता है। तो अभी हमें देखना अभी है कि जो हम कलर कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है, तो अभी जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, और अंधेरा होने के बाद फिर हम जाके सो जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे दिन में कलर करेंगे। तो अभी ये यहाँ पे काफ़ी जो है हमारा फ्लोर का कलर तो हो गया है, और यहाँ पे लाइटें ऑन करके देख लेते हैं, और ये लाइटों में कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। तो अभी चल के सो जाते हैं, अभी सुबह मिलते हैं फिर। तो हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, और मैं जाके और काफ़ी सारे कलर्स ले आया हूँ। अब जितने भी कलर्स की हमें रिक्वायरमेंट थी, जो जो हमने प्लान किया है वो सारे कलर्स मैं ले आया हूँ। तो कलर्स का तो हमारा काम पूरा हो गया है लाने का, अब बस कलर्स को करना बाकी है। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं टॉप से, क्योंकि टॉप पे जो हमारा छत है हमें छत को पहले कलर करना है। तो सबसे पहले अपनी छत को पेंट करते हैं, और उसके लिए मैं बिल्कुल डिफरेंट पेंट लेके आया हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी पेंट करने के लिए मैंने गाड़ी को सबसे ऊपर जितना गाड़ी जा सकते हैं यहाँ तक चढ़ा लिया है, और अभी यहाँ से पेंट लेके पहले इस वाले पेंट को छत के पेंट को करना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा छत का पेंट, और जो मुझे काफ़ी स्टैंडर्ड लगा, तो मुझे तो काफ़ी सही लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कलर कमेंट करके बताओ, और अगर आप लोगों को लगता है कि हमें छत पे कोई और कलर करना चाहिए तो वो भी बताओ। और कमेंट्स में ज़्यादा लोगों ने कहा कि ये कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो हम इस कलर को बाद में चेंज कर देंगे और यहाँ पर फिर वो जो दूसरा कलर है वो कर देंगे। बट मुझे ये कलर काफ़ी सही लग रहा है।
तो अभी छत का काम तो हो गया है, और ये जो मेरे दो रैंप है इनको भी मैं छत वाले कलर में ही कर देता हूँ, एक ये वाला रैंप और एक ये वाला रैंप। और जो नीचे वाला रैंप है जो हमने वैसे बनाया वुडन लॉक्स के, तो उसको तो हम अभी कलर कर नहीं सकते। और ये यहाँ पे अंदर का भी पेंट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और ये जो छत का सबसे ऊंचा पोर्शन है इसको पेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो यहाँ तक तो हम नॉर्मली पहुँच नहीं पाते। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने गाड़ी पे खड़े होकर इसको पेंट कर रहा हूँ, तो आगे का एक ब्लॉक पेंट करना है, तो अभी गाड़ी यहाँ पे लगा के इस पर चढ़ते हैं और तभी हम इसको पेंट कर सकते हैं। तो एक जंप करा और हो गया यहाँ पे पेंट। अब वहाँ का एक ब्लॉक पीछे का रह गया है, तो गाड़ी को वहाँ लेके चलते हैं और वहाँ पे गाड़ी को खड़ा करके फिर उसके ऊपर चढ़ के तभी हम उसको पेंट कर पाएंगे। बिना गाड़ी को हम खड़े करें इसको पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और नॉर्मली उस पर पेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी गाड़ी को खड़ा करके यहाँ पर बड़ा इजीली पेंट हो जाएगा, तो गाड़ी पे चढ़ के बस हमें जंप करना है और हमारा पेंट हो गया। तो ये हो गया पेंट, यहाँ तो हमें जंप करने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल ऐसे ही पहुँच गया। तो यहाँ का ये वाला पेंट तो हो गया है, अब यहाँ के फ्लोरिंग का पेंट भी कर लेते हैं। तो ये फ्लोर का पेंट हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं सारे अपने फ्लोर्स पे जितने भी हैं, तो तीनों फ्लोर्स पे हम सेम पेंट की थीम रखने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करने वाले। तो ये फ्लोर का भी यहाँ पे हो गया। फ्लोर का तो पेंट तो काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, बस हाथ में पेंट का डब्बा लेना और दौड़ चलना है। और ये देखो जब हम बाहर सनलाइट में आए हैं तो हमारा पेंट कितना डिफरेंट लग रहा है और अंदर कैसा लग रहा है। तो पेंट हमें लाइट में डिफरेंट, लाइट में डिफरेंट थोड़ा सा लगता है, बट पेंट एक ही होता है, बट जैसे लाइट होती है वैसे वो लगता है कि जब हम ट्यूबलाइट्स ऑन करेंगे तब थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और जब हम अंदर देखेंगे थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और जब सनलाइट में देखेंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। तो यहाँ का काम तो हो गया, अब गाड़ी को लेके चलते हैं नीचे। तो यहाँ का फर्स्ट फ्लोर का काम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये वाला कलर यूज़ किया है, अपनी जितनी भी हमारी ये हाफ वॉल्स हैं उनके लिए डिफरेंट है, रूफ के लिए डिफरेंट है और फ्लोर के लिए डिफरेंट है। और मैंने एक और ये हमारा यहाँ का पेंट का काम हो चुका है, बाहर हमने ये वाला पेंट किया है ब्लू, जो काफ़ी स्टैंडर्ड है और काफ़ी सही लग रहा है। और ये जो पेंट के डब्बे इनको उठा के गाड़ी में रख लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो पेंट हो गया और ये यहाँ पे फालतू में पड़े रहेंगे, इनके अभी रिक्वायरमेंट इधर इस साइड तो नहीं है, तो इनको तो मैं गाड़ी में रख लेता हूँ। तो गाड़ी यहाँ रैम्प पे ना कई बार फंस जाती है, तो हमें बाद में इस रैम्प को हल्का सा थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता ही है कि अगर गाड़ी हम स्लोज पे उतार रहे हैं तो गाड़ी अटकने का चांसेस होता है। 90% टाइम गाड़ी नहीं अटकती, बट कई बार अटकने के चांसेस होते हैं। अंदर पहले हमने ब्लूइश वाइट किया था फ्लोर पे, तो इसको चेंज करके हम यहाँ पे भी जो है ये सेम कलर ही करने वाले हैं जो हम हर फ्लोर पे कर रहे हैं। तो जो साइड का हमने प्लेटफॉर्म बनाया है इस पर हमने पेंट कर लिया और फ्रंट से भी हमने पेंट कर लिया, तो पेंट का काम हमारा अभी के लिए पूरा कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं सामने से दिखा देता हूँ कि हमारा पेंट कैसा लग रहा है होने के बाद। तो ये हमारा पेंट का काम सारा कंप्लीट हो गया है, जो कि मैंने बड़े स्टैंडर्ड कलर्स यूज़ किए हैं। और अंदर से भी एक बार दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। अंदर से ये हमने सेम थीम यूज़ किया है हर फ्लोर के ऊपर, तो ये हमारा अंदर का हो गया। और बाकी अभी चलते हैं और अभी चल के काउस खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि हमारा पेंट का काम पूरा हो चुका है, अब हमें काउस लेके आने हैं खरीद के। तो अभी सीधा चलते हैं जनरल स्टोर पे और वहाँ से 4 काउस परचेज करके लेके आते हैं। तो हम जनरल स्टोर पहुंच गए और मैंने 4 काउस परचेज कर लिए हैं, और इन काउ को अभी जल्दी से गाड़ी में लोड कर लेते हैं। इस ट्रक से फायदा यह है कि इस ट्रक में हमारी 4 काउस एक बार में ही आ जाती है, तो हमें बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते जनरल स्टोर के। और इस ट्रक में या तो हम 4 पिक ले सकते हैं एक बार में, या फिर हम 4 काउस ले सकते हैं एक बार में, तो इसकी कैपेसिटी 4 एनिमल्स की है मैक्सिमम। और अभी हम चलने वाले हैं अपने शॉर्टकट से। आपको याद होगा कि मैंने पहले वीडियोस में दिखाया था कि जनरल स्टोर से हमारे रैंच के लिए एक शॉर्टकट है जो इस पहाड़ी के ऊपर से जाता है, जिससे हमें बिल्कुल सीधा हम अपने रेंज पे पहुंच जाते हैं। और अभी मुझे इस ट्रक को पूरा एक्सलरेट करके रखना है, अगर मैंने यहाँ ब्रेक लिए तो ये चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि ट्रक पीछे की तरफ चला जाता है। तो अभी तो हमने पहाड़ी को पार कर लिया और ये यहाँ पे हमारा सामने रेंच आ गया, और ये काफ़ी छोटा रास्ता है। नॉर्मल हम रोड से आएंगे तो हमें काफ़ी लंबा घूम के आना पड़ता है, बट इससे जब हम आते हैं तो हम सीधा अपने रैंच से जनरल स्टोर, जनरल स्टोर से रैंच पहुंच जाते हैं।
तो अभी ट्रक को हम बिल्कुल यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि ट्रक तो हमारा ऊपर चढ़ नहीं सकता, जो कि हमने पहले एक बार ट्राई किया था, बट हमारा छोटा हाथी, मतलब छोटा हाथी से आप समझ रहे हैं हमारी गाड़ी, जो गाड़ी जो है, जो हमारी जो छोटी गाड़ी है वो इतनी दमदार है कि वो इजिली चढ़ जाती है। तो अभी मैं काउस को यहाँ अनलोड करके ऐसे ही लेना पड़ेगा। काउ तो बड़े इजिली चढ़ जाती है, ये बिल्कुल इजिली चढ़ गई, और दूसरे रैंप पे बिल्कुल इजिली चढ़ जाएगी, जो हमने बिल्कुल पहले टेस्ट कर लिया था। तो अभी इस काउ को यहाँ पे ले आते हैं और काउ को यहाँ पे छोड़ते हैं। तो ये हमारे पांचवी काउ है इस बांध की, क्योंकि चार काउस तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे पहले ही लाके रखी हुई हैं, तो ये हम पांचवी काउ हमारी बांध में एंटर हमने कर लिया है। तो इस काउ को यहाँ छोड़ते हैं और बाकी काउस को भी लाके अनलोड कर देते हैं और बाकी काउस को भी यहाँ पे रखते हैं। और अभी ये यहाँ पे एक पेंट का डब्बा पता नहीं कैसे रह गया, चलो इसको भी यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको मैं क्या नीचे ले जाऊँ, इसको मैं यहीं से नीचे फेंक देता हूँ। तो ये मैंने फेंक दिया नीचे और वो पड़ा नीचे, क्योंकि इसका अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको नीचे फेंक दिया, वहाँ से हम इसको बाद में उठा लेंगे। तो अभी बाकी काउस को लेके आते हैं अनलोड करके। तो अब ये दूसरी काउ भी आ चुकी है ऊपर, तो बाकी अब बची दो काउस, उनको भी जल्दी से ले आते हैं, तो हमारी चार काउस अब हमारे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएंगी। तो ये हमारी तीसरी काउ भी ऊपर आ चुकी है, अब सिर्फ एक काउ रहती है और हमारी चारों काउस ऊपर। और देखा रैम से कितना आसान है रैम से एनिमल्स को ऊपर चढ़ाना। तो ये बांध जो है हमारा काफ़ी सही काम कर रहा है इस हिसाब से। तो और बाकी हमारी चारों काउस यहाँ पहुँच चुकी हैं, और मैं अभी नीचे चल के अपनी छोटे वाली गाड़ी में जो है कुछ सामान भर के ले आता हूँ। जैसे इनका मुझे खाना लेके जाना है ऊपर और पानी लेके जाना है, और मुझे एक बकेट ऊपर रखनी है। तो उससे पहले जो है गाड़ी को हम यहाँ पे जो है जितना भी गाड़ी में अभी पेंट पीछे भरा हुआ है इसको गैराज में अनलोड करके डालता हूँ, गाड़ी को खाली करते हैं सामान के लिए। तो गाड़ी को हमने खाली करके सामान भर लिया है, और अभी हम खाना पानी बकेट और ये वुडन स्लैब्स ऊपर लेके जा रहे हैं। अब आप सोचोगे हम वुडन स्लैब्स क्यों लेके जा रहे हैं, तो आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा जब बांध का काम कंप्लीट हो जाएगा तो तब हमें एक स्पेशल चीज़ ट्राई करने वाले हैं। तो वही स्पेशल चीज़ ट्राई करने के लिए जो है मैं ये वुडन स्लैब्स लेके आया हूँ ऊपर। तो अभी पहले काउस को पानी दे देते हैं और खाना दे देते हैं, और उसके बाद जो है हम वो अपना जो स्पेशल चीज़ है वो ट्राई करते हैं। तो ये जो मेटल पीसेस हैं ये हमने लाइट्स के लिए रखे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं, इनको मैं बाहर रख देता हूँ। तो अभी लाइट्स हमें लगानी होगी तो तब इनको यूज़ कर लेंगे हम। तो इसको अभी यहाँ ही साइड में रख देते हैं, और अभी काउस को पहले मैं खाना डाल देता हूँ और पानी डाल देता हूँ। तो ये काउस का खाना तो हो गया, अब एक बकेट, ये बकेट लाके काउस को पानी भी डाल देते हैं ताकि काउस का जो है खाना और पानी का इंतजाम बिल्कुल प्रॉपर रहे। और अभी चलते हैं और अभी बनाते हैं वो अपनी स्पेशल चीज़ जो मैंने ट्राई करने के लिए कहा था कि हमारा बांध कंप्लीट होने के बाद हम ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं एक अपनी छत को कंप्लीट करके रैंप, जिससे कि जो है हमारा ये जो छोटा हाथी है ये ऊपर चढ़ सके, तो हम सबसे टॉप पे गाड़ी को पहुँच के खड़ा कर सके। बट ये अभी हम ट्राई करने वाले हैं, बट हाँ मुझे एक श्योरिटी है कि हमारा जो ये जो छोटा हाथी है ये इतना पावरफुल है कि ये बिल्कुल इजीली ये वाली गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। बाकी अभी इसको हम देख भी लेते हैं, तो अभी प्रूफ भी हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा हाथी चढ़ गया है बिल्कुल आसानी से बिल्कुल टॉप पे। तो मुझे पहले से पता था कि ये हमारी जो छोटी गाड़ी है जिसको हम छोटा हाथी बोलते हैं ये इतनी पावरफुल है कि ये बड़ी इजीली से किसी भी रैंप पे चढ़ जाती है, चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हो। और अभी क्या सही व्यू लग रहा है पूरा, और ये नीचे हमारी काउस दिख रही है और गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी है, और यहाँ से हमारी देखो नीचे ट्रक भी कितना छोटा लग रहा है, मतलब हम इतनी हाइट पे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।